बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कई नदियां, बाढ़ का संकट गहराया। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर शुरू करने का निर्देश। 4 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया। गोपालगंज के 178 गांवों में फैला बाढ़ का पानी, उफान पर गंडक नदी। नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में किस जिलों में कितनी बारिश होने की आशंका है, कहां पर कितना अलर्ट जारी किया गया है। सारे विस्तार से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और एक लाइक अवश्य करें। आइए खबर विस्तार से पढ़ते हैं। बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कई नदियां, बाढ़ का संकट गहराया। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसूनी पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। सुपौल, चंपारण के जिले, मधुबनी, सीतामढ़ी आदि क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही हम लोग रुख करते हैं गोपालगंज की तरफ। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर शुरू करने का निर्देश दिया गया है। गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। जिले के 2 दर्जन से अधिक गांवों में नदी का पानी घुस गया है। डीएम ने सभी सीओ और बीडीओ को बाढ़ग्रस्त इलाके की पहचान कर राहत शिविर शुरू करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने लोगों से तटबंधों से बाहर आकर रहने की अपील की है। 4 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में सोमवार का मौसम भी मानसून के असर से प्रभावित दिख रहा है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार को विशेष अलर्ट जारी किया। साथ ही पूर्वानुमान के मुताबिक नेपाल की तराई से सटे जिले पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश की आशंका जताई है। गोपालगंज के 178 गांवों में फैला बाढ़ का पानी, उफान पर गंडक नदी। नेपाल में भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज किए गए पानी के कारण गंडक अपने पूरे उफान पर है। कुचायोकोट के कलामिटिनिया और सदर प्रखंड के पतहरा में नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। रविवार को 6 प्रखंडों के 39 पंचायतों के करीब 178 गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ के पानी के घिरे गांव का सड़क संपर्क भी टूट गया है। सारण तटबंध समेत कई छरकियों पर रेनकट व रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। वहीं सुबह में बरेली के सलेमपुर में छरकी के पानी के रिसाव होने की सूचना मिली है। इसके बाद डीएम सलेमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। रात तक पानी का लेवल बढ़ने की आशंका जताई गई है।